फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम सूरज कंप्यूटर। आज सुबह सुबह हमारे पास एक कस्टमर आए थे, ये आप देख रहे हो एचपी का 15BS लैपटॉप है और इसमें जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो एक्चुअली कैसे आया वो मैं बताऊंगा। जो कस्टमर ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि जब वो कार से ड्राइव कर रहे थे तो लैपटॉप उन्होंने पीछे रख रखा था और जो उनके दोस्त थे उन्होंने कुछ भारी सामान इसके ऊपर रख दिया, जिसके कारण जो अभी आप इसकी हालत देखोगे वो ऐसी हो गई। फिलहाल तो आप देख रहे हो कि इसका जो हिंचेज है वो और बॉडी दोनों के दोनों डैमेज हो चुकी है। तो कस्टमर ये सलाह लेना चाह रहे थे कि अगर जो इसका टॉप पैनल पूरा चेंज करवाते हैं तो क्या खर्चा आएगा और इसका क्या उपाय हो सकता है। तो हमने उनको यही कहा कि अगर जो आप पूरा टॉप पैनल चेंज करवाते हो तो आपको 2500-3000 रुपए का खर्चा बैठ सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमने उनको एडवाइस दिया कि हम जो इसका लोहे का हिंचेज है उसे चेंज कर देते हैं और बॉडी रिपेयर कर देते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ये तो पहली बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप भी ट्रेवल करते हो लैपटॉप के साथ तो अपने लैपटॉप को बचाने के लिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि अगर जो उसे आप कहीं रख रहे हो तो सेफ जगह हो, उस पर कोई भारी सामान ना रखा हो और किसी बच्चे के हाथ में ना जाए। ज्यादातर लैपटॉप जो डैमेज होते हैं वो बच्चों के हाथ में ही होते हैं। वैसे ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, स्लिम लैपटॉप है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये काम करता है। और अगर जो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप वैसी जगह पे दिखाओ जहाँ पे पहली बार में ही ठीक हो जाए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे लोकल दुकान में चले जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद उनका जो लैपटॉप होता है उसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो उन चीजों से बचे और जेन्युइन जगह ही दिखाएं। अगर जो आप दिल्ली एनसीआर में है तब तो हम दिल्ली एनसीआर में सर्विस दे रहे हैं। अगर जो आप बाहर भी है, मतलब आउट ऑफ दिल्ली भी है, तो आप हमारे पास अपना लैपटॉप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत दूर दूर से लैपटॉप आते हैं, कई लैपटॉप पंजाब कर्नाटक जैसे एरियो से भी आ जाते हैं हमारे पास, हिमाचल प्रदेश वगैरह से भी। वो कस्टमर क्या करते हैं कि अपना लैपटॉप हमें कुरियर कर देते हैं और हमको कुरियर करके मतलब रिपेयर करके वापस कुरियर कर दिया जाता है उनको, कस्टमर को लैपटॉप। तो आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप सूरज कंप्यूटर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी जो जानकारी है, इसका जो फायदा है आपके यार दोस्तों को भी लग सके। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हो कि जो लैपटॉप है बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, बस इसकी जो बॉडी है वो ब्रेक हो चुकी है। और एक और प्रॉब्लम है, जो इसकी जो फैन होती है, जो कूलिंग फैन होता है, वो भी आवाज कर रहा है, शायद प्रेशर के कारण या जो भी है। इस पे जो सामान रखा गया है जैसे कारण इसकी पंखड़ी वगैरह टूट सकती है, तो अगर जो आप ध्यान से सुनो तो यहाँ से आपको फैन की आवाज भी आएगी। तो वो फैन एक बार जो लैपटॉप खुलेगा तो खोल के ही देख पाएंगे कि फैन के एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। आइए इसको रिपेयर करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।